अखिल भारतीय महाब्राह्मण सुधार संगठन द्वारा एक समारोह आयोजित कर एक दर्जन से अधिक विभिन्न राज्यों से आए महाब्राह्मण समाज के समाज सेवियों का फूल मालाओं से सम्मान करते हुए उन्हें सम्मान पत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम का संचालन राजस्थान से आए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि विभिन्न स्थानों के समाजसेवी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिमानी स्कूल के डायरेक्टर हिमांशु शर्मा, राजाराम शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पवन शर्मा, अखिलेश पांडे, प्रभात पांडे, गोपाल शर्मा एवं श्रीमती रेणुका शर्मा, आरती शर्मा सहित अनेक लोगों उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सभी को सम्मान पत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामदेव शर्मा द्वारा किया गया। शर्मा जी, अशोक वाटिका में आज एक मान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, तो इनमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल हुए, किन किन लोगों का सम्मान हुआ, तो उसका उद्देश्य क्या था? आज के सम्मान पत्र वितरण समारोह में राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश के समाज सेवी पधारे हमारे बीच जी। हमारे बीच में राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम शंकर जी शर्मा, हमारे श्री गंगानगर से सत्यनारायण जी शर्मा, हमारे छत्तीसगढ़ से जो कपिल देव शर्मा जी आने वाले थे वो अचानक नहीं आ पाए क्योंकि उनकी ट्रेन निकल गई थी। ट्रेन तो वो कह रहे थे मैं नहीं इसलिए आ नहीं पाया, तो कपिल देव जी नहीं आए हमारे बीच के अंदर। हमारे बीच के अंदर ओम शंकर जी शर्मा झुंझुनू जिले से पधारे, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बहुत कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनुशासन को चलाने वाले। शर्मा जी, सम्मान समारोह का आयोजन किया है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या हमारे सम्मान समारोह का उद्देश्य में हमारा ये था कि संगठन तो सभी चला रहे हैं जी और समाज के लोगों से सेवाएं भी ले रहे हैं जी, लेकिन उनकी सेवाओं का मूल्यांकन नहीं करते हैं हम जी, क्योंकि समाज से उत्तम मन धन रात दिन पेश करते और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है वो उनका मूल्यांकन नहीं करता। लेकिन मैंने अपने समाज के समाज सेवियों का उनकी सेवाओं का मूल्यांकन किया है जी। उसका मूल्यांकन करके मैंने उसका विश्लेषण किया, भाई जो पटवारी है उसने पटवारी के रहते हुए समाज को अनेकों लाभ पहुँचाया जी, उसको अनेक उसकी समस्याओं का निराकरण मिनटों में करवा दिया, वरना नहीं तो उसको कार्यालय में चक्कर लगाते लगाते समय को जाता का। हमारे समाज के अंदर जो टीआई रैंक टीआई पद पर रहते हुए समाज का कोई केस आ गया है तो उसके अंदर नरमी बरती, उसको न्याय दिलाने के लिए उस केस को आगे न्याय दिलवाया उसके बाद, तो ऐसी उनकी समाज सेवा का हमने विश्लेषण किया। विश्लेषण के निवार करने के बाद में हमने अपने प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया कि भाई ऐसे लोगों का सर्वे कर लिया, और वही सर्वे करना जो सच्चा समाज में से भी, ऐसा नहीं हो कि हम सम्मान पत्र दे दे कल को दारू पी करके ठेके पर पड़ाओ लोग खुद कहेगा अच्छे वहाँ देखिए आपका समाज से भी, देखिए तो ऐसा नहीं होना। हमारे समाज से भी हमारे प्रदेश के सर्वे उन्होंने किया, बहुत पार्किंग नजर सर्वे करने के बाद हमारे पास नाम भेजे, नाम भेजने के बाद में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो